सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन साइजिंग। Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे सबसे पहले जानेंगे कि पोजिशन साइजिंग होता क्या है उसके बाद हम समझेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए उसके बाद हम जानेंगे अलग अलग मेथड्स जिनका यूज करके आप स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद दो मेथड्स हम सीखेंगे पोजिशन साइजिंग की जो अवेलेबल है स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट मेथड कैपिटल बेस्ड सेकेंड मेथड रिस्क बेस्ड आगे चल के हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी एग्जाम्पल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा अब स्टॉक की कितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी चाहिए यह डिसीजन ले सकते हैं आप पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करके क्वांटिटी डिपेंड करेगी आपके रिस्क कैपिटाइट पे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मेरे पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लाख रुपए का कैपिटल है अब एक ही ट्रेड पे मैं अपना पूरा पैसा दाव पे लगा दू ये तो कोई समझदारी की बात होगी नहीं करेक्ट तो मैंने अपना रिस्क एनालिसिस किया और उसके बाद डिसाइड किया कि मैं एक ट्रेड पे ज्यादा से ज्यादा टू थाउजेंड लूज कर सकता हूं और मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं वन परसेंट यानी कि अगर स्टॉक वन परसेंट के नीचे गया तो मैं अपना ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा तो इस केस में मुझे कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी चाहिए स्टॉक की इस चीज का आप जवाब जानेंगे इस वेबिनार में आपकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी ऑब्वियसली आपके रिस्क पे जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पोजीशन साइजिंग आपको अलाउ करेगा कि आप ज्यादा रिस्क ना ले बहुत ही ज्यादा ना ले या फिर बहुत ही कम रिस्क ना ले ज्यादा रिस्क लेना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है और बहुत कम रिस्क लेना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपना मनी बहुत ही जल्दी लूज कर सकते हैं और अगर आप बहुत ही कम रिस्क ले रहे हैं उस केस में क्या होगा कि आपके जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो आपको इनफ प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे पाएंगे तो पोजिशन साइजिंग का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए इस ग्राफ को देखकर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं जो कि रेड बार्स हैं वो आपको दिखा रही हैं कि आप कितना लॉस हो चुका है पूरे कैपिटल पे और ग्रीन बार दिखा रही है आपको कि कितना आपको रिकवर करना पड़ेगा आपका पैसा वापस ब्रेक इवन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पूरे कैपिटल का टेन परसेंट लूज कर दूं मेरे पास वन लाख रुपीज थे अब मान लीजिए मेरे पास नाइनटी थाउजेंड ही बचे हैं तो मुझे अपना कैपिटल बस रिकवर भर करने के लिए इलेवन परसेंट का रिटर्न्स बनाना पड़ेगा और वही मान लीजिए कि मैं एटी परसेंट अपना कैपिटल लूज कर देता हूं मेरे पास बचेंगे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और मुझे अपने रिमेनिंग कैपिटल पे फोर हंड्रेड परसेंट का रिटर्न बनाना पड़ेगा जस्ट सो दैट मैं अपना पैसा वापस मार्केट से रिकवर कर पाऊं इसीलिए पोजीशन साइजिंग करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप एक ही बार में अपने टोटल कैपिटल का बहुत ही बड़ा हिस्सा लूज ना कर दें और आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए उस पूरे पैसे को रिकवर करना जिस जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे लूज करते जाते हैं आपकी रिट आपको रिकवर करने के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जरूरत पड़ती है वही आपको इस चार्ट में देखने के लिए मिल रहा है और सेम uh, एग्जाम्पल जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यहां पे दिखाया हुआ है अगर आप रिटर्न फॉर्म में देखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके यहां पे देख सकते हैं टू टू लाख रुपीज का इनिशियल कैपिटल अगर मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया है ट्रेडिंग कैपिटल स्टार्टिंग में और फिफ्टी परसेंट अगर आप लॉस कर देते हैं यानी कि वन लाख रुपीज आप लॉस कर चुके हैं अब आपको अगर वापस टू लाख पे आना है उसका मतलब यह है कि आपको वन लाख रिमेनिंग कैपिटल पे वापस रिकवरी अमाउंट आपकी वन लाख रुपीज है यानी कि आपको डबल कर देना है पैसे को यानी कि आपको चाहिए होगा हंड्रेड प्लस हंड्रेड परसेंट का रिटर्न पोजीशन साइजिंग के दो मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे एक है कैपिटल बेस्ड पोजीशन साइजिंग सेकंड है रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग इससे पहले कि हम पोजीशन साइजिंग समझे हमें यह समझ लेना चाहिए कि स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने के कौन से कौन से तीन मेथड्स हैं और इन तीनों मेथड को समझने के लिए सबसे इजी तरीका है हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली एक टाइप का एग्जाम्पल ही है जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा फर्स्ट मेथड है परसेंटेज टाइप टीपीएसएल जो कि सिंपलेस्ट मेथड है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार आई वॉन्ट टू एग्जिट इफ स्टॉक मूव बाय 4% यानी कि स्टॉक अगर 4% ऊपर गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा या फिर अगर टू परसेंट नीचे गया तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा जो कि मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एंट्री प्राइस थाउजेंड रुपीज है स्टॉप लॉस अगर टू परसेंट है तो नाइन एटी रुपीज पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर स्टॉक स्टॉक जो है नाइन एटी रुपीज के नीचे आ जाता है सेकेंड मेथड है पॉइंट टाइप टीपीएसएल अगेन इसको समझने के लिए प्रॉब्लम uh, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं एक बार आई वॉन्ट टू एग्जिट इफ द स्टॉक मूव अपेन रुपीज फ्रॉम दी प्राइस यानी कि जहां से आपने एंट्री ली वहां से अगर टेन रुपीज ऊपर चला गया स्टॉक परसेंटेज नहीं हम यहां पे रुपीज के टर्म्स में बात कर रहे हैं अगर टेन रुपीज ऊपर चला गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा सेम वे स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल यहां पर दिखाया हुआ है एंट्री प्राइस वापस मान लीजिए आपकी थाउजेंड रुपीज है स्टॉप लॉस आपने फिफ्टी रखा है तो अब जो है नाइन पे अगर स्टॉक आ गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा थर्ड मेथड है एपसिल्यूट टाइप टीपीएसएल इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आई वॉन्ट टू एग्जिट प्रॉफिट ऑफ टू थाउजेंड रुपीज तो यहां पर ना मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं ना कि स्टॉक के रुपीज मूवमेंट में बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अपना टोटल लॉस या फिर टोटल प्रॉफिट मेरा इस ट्रेड पे अगर मैंने जो भी मेरी क्वांटिटी है उस पर टू थाउजेंड रुपीज अगर मैंने बना लिए तो मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर देना चाहूंगा सेम वे स्टॉप लॉस में भी ये इसी तरह से काम करेगा अगर मैं अपना स्टॉप लॉस थाउजेंड रुपीज रखता हूं तो अगर मेरा टोटल लॉस उस ट्रेड में थाउजेंड रुपीज हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ये तीन मेथड से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको कौन सा मेथड चूज करना है जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिए यहां पे आपको समझ आ जाएगा चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए एक बार देख लीजिए या फिर बाद में भी अगर आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप एज अ रेफरेंस इस स्लाइड को यूज कर सकते हैं तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा कैपिटल बेस्ड पोजिशन साइजिंग जो कि सिंपलेस्ट तरीका है इसमें मैं कह रहा हूं यहां पे कि मेरे पास थाउजेंड रुपीज है टेन थाउजेंड रुपीज है नॉट थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज है और टेन थाउजेंड रुपीज में जितने भी स्टॉक आते हैं वो मुझे ट्रेड करना है तो आपने सिर्फ इतना बता दिया अब जो स्ट्रिक सिस्टम है क्वांटिटी अपने आप सिलेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन स्टॉक प्राइस तो पहले आपको यहां पे पोजीशन पोजीशन साइजिंग टाइप में आप सिलेक्ट कर लेंगे कैपिटल बेस्ड और उसके बाद आपको कितना कैपिटल एलोकेट करना है उस ट्रेड के लिए यहां पे आप डालेंगे टेन थाउजेंड थाउजेंड रुपीज फाइव हंड्रेड रुपीज जो भी आपका कैपिटल है क्वांटिटी सिलेक्शन इस प्रकार से होती है मैक्सिमम एलोकेशन यानी कि आपने जो भी यहां पे डाला हुआ है वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टॉक प्राइस तो प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखा देता हूं प्रैक्टिकली समझने के लिए स्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे स्ट्रिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए यहां पे वेबसाइट मैंने दिखाया हुआ है स्ट्रिक डॉट टेक आप इस वेबसाइट को ओपन करके लॉग इन कर सकते हैं और यहां पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है सो वंस आर हियर दिस इज द होम पेज होम पेज पे आने के बाद आप स्ट्रैटेजीज में जाएंगे और आप क्लिक करेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी बटन पे यहां पे आपको अपने स्टॉक्स चूज करने हैं सबसे पहले कि कौन से स्टॉक्स पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स डालने का बेस्ट तरीका है कि आप एक बास्केट बना के रख लीजिए बास्केट बनाने के लिए आप यहां पे जा सकते हैं और बहुत सारे अपने बास्केट क्रिएट करके रख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबिल स्टॉक्स का बास्केट मैंने बना के रखा हुआ है मैं क्लिक करूंगा और मेरे सारे ऑटोमोबिल स्टॉक्स जो भी मैंने बास्केट में बना के रखे हैं यहां पर एंटर हो जाएंगे यहां पर आप चूज कर लेंगे टाइम फ्रेम इस स्ट्रैटी के लिए हम फाइव मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं देन आप सिलेक्ट करेंगे पोजिशन आपको बाय करना है या सेल करना है यह स्ट्रैटेजी जो है सेल स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल है तो यहां पर मैं सेल सिलेक्ट करूंगा फाइनली यहां पे आप क्वांटिटी डाल देंगे वन बिकॉज हम तो अपना एलोकेशन यूज करके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है जस्ट बिकॉज कंपलसरी है यहां पे क्वांटिटी डालना मैं यहां पे वन डिफाइन कर दे रहा हूं अभी बाद में जब मैं नीचे जाकर अपना मैक्सिमम कैपिटल डालूंगा तो क्वांटिटी सिस्टम अपने आप डिसाइड करेगा वहां जाने से पहले हमें एंट्री कंडीशन क्रिएट करना है तो इसमें हम बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल देखेंगे सुपर ट्रेंड ले लेते हैं सुपर ट्रेंड होना चाहिए हायर देन यानी कि सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है इस समय और सेकेंड हम स्टोकैस्टिक्स आरएसआई का इस्तेमाल करने वाले हैं स्टोकैस्टिक आर एस आई परसेंटेज के लाइन जो है अगर क्रॉस करती है क्रॉसेज बिलो स्टोकास्टिक आर एस आई परसेंटेज डी लाइन तो इस केस में मुझे सेल करने हैं ये सारे स्टॉक्स यहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट हम बाद में यहां पे डिसाइड करते हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे मैक्सिमम एलोकेशन तो एक स्टॉक पे मैं मैक्सिमम थाउजेंड तो ले ABS 500 so अगर एक पे टोटल लॉस मेरा फाइव हंड्रेड रुपीज हो जाता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और टारगेट में हम डाल देते हैं फिफ्टीन हंड्रेड ध्यान रखिए आपकी हर स्टॉक पे अप्लाई करता है हर स्टॉक पे इंडिविजुअली अप्लाई करता है 500 हंड्रेड लेलैंड पे भी फाइव हंड्रेड हीरो मोटोकॉप पे भी अलग अलग स्टॉक पे इंडिविजुअल है ये सेम वे 10,000 भी हर स्टॉक का इंडिविजुअल है ये तो अब इस हिसाब से मेरा मैक्सिमम एलोकेशन के हिसाब से क्वांटिटी जो है अपने आप सिलेक्ट करेगा हमारा सिस्टम और पोजीशन साइजिंग जो है हमारा कैपिटल बेस्ड है तो मैं यहां पे कैपिटल बेस्ड सिलेक्ट कर देता हूं बैक टेस्टिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे तो मैंने बस फीड uh, करने के लिए वन क्वांटिटी डाल दी है वंस वी डू द बैक टेस्ट बैक टेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ऑटोमेटिकली क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहा है आपके मैक्सिमम एलोकेशन के हिसाब से सो so, इसको एक नाम दे देते हैं कैपिटल uh, बेस्ड नाम दे दें कैपिटल बेस्ड स्ट्रैटेजी वन ऑल राइट सो फाइनली हम अपना बैक टेस्ट रन करने के लिए रेडी है सारे इनपुट हमने दे दिए सिर्फ हमें यहां पर क्लिक करना है सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे हमारा बैक टेस्टिंग रन हो रहा है और यहां पर हमें रिजल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है सो so, ये सारे जो है रिटर्न आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं टोटल सिग्नल विन्स लॉसेस विनिंग स्ट्रीक लूजिंग स्ट्रीक मैक्स ड्रॉडाउन और और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हैं जैसे कि अगर आप ब्रोकरेज को इंक्लूड करना चाहें अपने रिजल्ट में तो ब्रोकरेज अप्लाई कर सकते हैं यहां पे अगर आप चाहें सारे ट्रेड्स देखना तो आप इजीली यहां पे क्लिक करके सारे ट्रेड्स आप यहां पे एनालाइज कर सकते हैं डेट एंड टाइम के साथ आपको सारे ट्रेड्स यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे तो ये था कैपिटल मैक्सिमम एलोकेशन कैपिटल बेस्ड एलोकेशन और क्वांटिटी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर ट्रेड के साथ मेरी क्वांटिटी यहां पे चेंज हो रही है फोर्टी क्वांटिटी फोर्टी वन ऑन एन एवरेज फोर्टी क्वांटिटी आप यहां पे स्टॉक के लिए मान सकते हैं जैसे जैसे प्राइस कम हुआ स्टॉक का मेरा क्वांटिटी बढ़ता गया सो टेन थाउजेंड रुपीज में मैं अभी जो लेटेस्ट मेरा ट्रेड था फिफ्थ मे को यहां पर बैक टेस्टिंग में फोर्टी क्वांटिटी आ सकती है इस स्टॉक की सेम वे हम दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं अगर कोई चीपर स्टॉक देखें तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिलेगी 75 फाइव क्वांटिटी एंड लेटेस्ट में आप देख रहे हैं तो 90 क्वांटिटी तो थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज में मैं 90 क्वांटिटी ट्रेड कर सकता था अशोक लेलैंड का इसलिए सिस्टम ने यहां पे 90 क्वांटिटी अपने आप सिलेक्ट की है सो so ये था कैपिटल बेस्ड एलोकेशन जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है जी स्ट्रैटजी इंप्लीमेंटेशन कैपिटल बेस्ड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैं आपको अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा था सेम एग्जाम्पल है सेकेंड जो मेथड है वो है रिस्क बेस्ड पोजिशन साइजिंग रिस्क बेस्ड पोजिशन साइजिंग में भी दो टाइप है टाइप वन इज विथ पॉइंट टाइप टीपीएसएल सेकेंड टाइप इज विथ परसेंटेज टाइप टीपीएसएल यानी कि डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट हो रही है इस चीज पे कि आप कौन से टाइप का टीपीएसएल यूज कर रहे हैं पिछले मेथड में जो कि कैपिटल बेस्ड था यहां पे इसका मीनिंग नहीं है आप यहां पे कुछ भी रख सकते हैं क्वांटिटी मैटर क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा टीपीएसएल से कोई लेना देना नहीं है मैक्सिमम कैपिटल बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में बट जब आप पोजीशन साइजिंग बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं तो वहां पर टीपीएसएल टाइप आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में क्या फर्क है कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज करना है वो अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के आप इजीली देख सकते हैं सो टाइप वन में मान लीजिए मेरा प्रॉब्लम इस प्रकार का है आई कैन अफोर्ड टू लूज ओनली फिफ्टीन हंड्रेड टोटल ऑन वन ट्रेड यानी कि मैं एक ट्रेड पे ज्यादा से ज्यादा फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज लूज कर सकता हूं और एक स्टॉक क्वांटिटी पे मैं सिर्फ टेन रुपीज लूज कर सकता हूं यानी कि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ टेन रुपीज है अगर स्टॉक टेन रुपीज के नीचे आता है तो मुझे एग्जिट कर देना है और इन टोटल जितनी भी क्वांटिटी है फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज से ज्यादा लॉस मेरा नहीं होना चाहिए तो मैं कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करूं फॉर्मूला यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन आपको फॉर्मूला मैन्युअली नहीं कैलकुलेट करना है क्वांटिटी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं आई कैन अफोर्ड टू लूज ओनली फिफ्टीन हंड्रेड टोटल ऑन वन ट्रेड एंड ओनली टू ऑफ द स्टॉक वैल्यू फॉर ईच क्वांटिटी यानी कि मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं अपना टू परसेंट अगर स्टॉक जो है टू परसेंट के नीचे गिरा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए और मैक्सिमम कैपिटल ज्यादा से ज्यादा मैं फिफ्टीन हंड्रेड लूज कर सकता हूं एक ट्रेड पे तो मुझे इस केस में कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी चाहिए तो उस केस में आप ये मेथड यूज करेंगे और क्वांटिटी जो है इस फॉर्मूला के हिसाब से सिलेक्ट होती है जो कि आपको यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं मैन्युअली तो आपको करना नहीं है सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेगा अब हम चल के इस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी देख लेते हैं सेम स्ट्रैटेजी को हम एडिट करके इसी में चेंजेस करके हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं सो so, यहां पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा रिस्क बेस्ड और आपको याद रखना है कि रिस्क बेस्ड के साथ आप एप्सुलूट का यूज नहीं कर सकते हैं या फिर परसेंटेज या तो फिर पॉइंट इन दोनों में से एक का आपको इस्तेमाल करना है इस बार हम परसेंटेज ले लेते हैं और यहां पे फाइनली मैं रिस्क बेस्ड कर दूंगा और यहां पे आपको मैक्सिमम एसएल अब आ गया यहां पे मैक्सिमम एलोकेशन की जगह पहले आपको यहां पे क्या दिख रहा था मैक्सिमम एलोकेशन अब यहां पे आपको दिखेगा मैक्सिमम एसएल पर ट्रेड यानी कि मैक्सिमम कितना लूज कर सकते हैं आप एक ट्रेड पे या फिर कितना आपका रिस्क एपेटाइट है कितना लूज करना चाहते हैं आप एक ट्रेड पे उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते सो so, यहां पे मैं फॉर एन एग्जांपल लेता हूं थाउजेंड रुपीज से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस कितना रखना है अगर स्टॉक जो है वन के नीचे गिर गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा या तो फिर मेरा टारगेट अचीव हो गया टू परसेंट पे तो मैं एग्जिट कर दूंगा अब इस सिनेरियो में मेरा क्वांटिटी कितना होना चाहिए यह आपको सोचने की जरूरत नहीं है सिस्टम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा और उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आ, इसको आप याद रख लीजिए यहां पे 41 क्वांटिटी है अब हमने मेथड चेंज कर दिया है तो इसके हिसाब से जो ये क्वांटिटी है वो भी चेंज हो जानी चाहिए सो लेट इस रन द बैक टेस्ट एंड सी द रिजल्ट बैक टेस्ट रन किया हमने क्वांटिटी यहां पे मैं वापस आपको दिखा देता हूं सो so, अब हो गई मेरी क्वांटिटी फोर वन सेवन चेंज हो गई है करेक्ट सो so, इस प्रकार से आप दोनों एलोकेशन मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूं वो सिस्टम जो है अपने आप अपडेट करता रहेगा हर स्टॉक में अपने आप क्वांटिटी जो है चेंज होती रहेगी आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से सो so, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मारुति का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स तो मारुति में जो क्वान्टिटी है वो यहाँ पे कम सिलेक्ट हुई है एंड अशोक लेरेंड जो कि एक चीपर स्टॉक है इसमें जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए सो so, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी सिलेक्ट हुआ है इस प्रकार से आप दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गई है अगर आपको कोई डाउट्स है तो एक बार करके देखिए एक बार पार्ट्स ऑफ द वीडियो को पॉज करके या फिर वापस रिपीट सुन के देखिए आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा उसके बाद भी अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है तो हम ऑलरेडी है आपकी क्वेरीज uh, को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट एट द रेट स्ट्रीक डॉट टेक इस ईमेल आई डी पे आप अपना जो भी डाउट जो भी क्वेरीज है लिख के बताइए हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे सो so, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है अब रिस्क बेस्ड पोजिशन साइजिंग वर्सेज नो पोजिशन साइजिंग अब मैं रिस्क बेस्ड सिलेक्ट कर रहा हूं तो उससे मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है सेम मैंने आपको बैक टेस्टिंग करते वक्त भी दिखाया था अगर मैं रिस्क बेस्ड पोजिशन साइजिंग सिलेक्ट कर रहा हूं और मेरे पास दो स्टॉक है एक ही स्ट्रेटेजी में मारुति एंड अशोक लेलैंड जो कि बहुत ही अलग अलग प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं एक जो है 6000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक हंड्रेड रुपीज से जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अभी इस केस में अगर मैं रिस्क बेस्ड पोजिशन साइजिंग यूज करता हूं तो दोनों में मैं रुपीज टर्म में इक्वल रिस्क ले सकता हूं ऑलमोस्ट राइट सो दोनों में आप देख पा रहे हैं स्टॉप लॉस अगर हिट होता है मेरा तो ऑलमोस्ट इक्वल uh, मेरा लॉस हो रहा है एंड विदाउट पोजिशन साइजिंग अगर मैं सेम चीज करता हूं एक फिक्स क्वांटिटी ले ली मैंने हंड्रेड क्वांटिटी तो उस केस में क्या होगा कि आप अशोक लेलैंड के साथ तो मनी टर्म्स में ओनली हंड्रेड रुपीज लॉस रिस्क ले रहे हैं बट जो कि ये स्टॉक है मारुति स्टॉक है उसमें आप बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो ये डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं हम इस वेबिनार के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं साइजिंग जो है वो आपको मदद करता है अवॉइड करने में कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्क ले लें ना ले लें या फिर बहुत कम भी रिस्क ना ले लें और किस चीज पे डिपेंड करेगी आपकी पोजिशन साइजिंग वो डिपेंड करेगा आपके रिस्क टॉलरेंस और अकाउंट साइज पे जनरली ये जनरल है नॉट फिक्स्ड रूल जनरली ट्रेडर्स जो है अपना पूरा अकाउंट का टू टू फाइव परसेंट से ज्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करते हैं एक सिंगल ट्रेड पे स्ट्रीट प्लेटफॉर्म आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है पोजीशन साइजिंग की दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहां पे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं वो भी एक अमेजिंग फीचर है मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में भी दिखा देता हूं और अंत वाला पॉइंट तो मैं आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है सो पेपर ट्रेडिंग का मेथड भी बहुत ही सिंपल है यहां पे मान लीजिए कि ये मुझे स्ट्रैटेजी पसंद है और इसको मैं पेपर ट्रेड करके देखना चाहता हूं बिफोर रिस्किंग माय रियल कैपिटल सो मैं यहां पे वो स्टॉक्स चूज कर लूंगा जो भी मुझे ट्रेड करने हैं फिर मैं डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करूंगा यहां पे मुझे uh, काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं इन सब ऑप्शंस के सिलेक्ट करने के बाद आप या तो फिर पेपर ट्रेड कर सकते हैं या तो फिर लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करके आप पहले चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है लाइव मार्केट में किस टाइप से परफॉर्म कर रही है सही से परफॉर्म कर रही है या नहीं एंड फाइनली ंस यू आर रेडी यू आर कॉन्फिडेंट इनाफ यू कैन गो एंड लाइव ट्रेड यूजिंग दिस स्ट्रैटजी अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग के बाद तो आप इस स्ट्रैटजी को लाइव ट्रीडिंग में ले जा सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया अगर आपके कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारी ई मेल आई डी सपोर्ट एट द रेट स्ट्रीक डॉट टेग पर लिख के बता सकते हैं कमेंट्स में भी आप लिख के बता सकते हैं अगर आपके कोई भी सुझाव या फिर डाउट्स हैं ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है यहां पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और अगर आप स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा डेमो रिक्वेस्ट बटन आप डेमो रिक्वेस्ट बटन या फिर ऑप्शन में अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज डेमो भी बुक कर सकते हैं सो थैंक यू एवरी सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय टेक केयर